नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, अंग्रेज दवा की सरकारी दुकान। तो ये स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र सीयर बेल्थावट जनपद बलिया जो है नीचे लिखा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो 1 जुलाई 2015 को जो है इसकी जो घोषणा की गई थी। इसके माध्यम से जो है जो अंग्रेजी दवाएं हैं 60 से 70% कम रेट में जो है बाजार से जो उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे एक जन औषधि केंद्र खुल चुका है। बहुत सारे जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, जनता है, उन्हें जो है इस केंद्र के बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए जो है इसी विषय में जो है हम यहाँ आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है मौजूद हैं और बताएंगे कि इनके यहाँ कौन कौन सी जो है दवाएं उपलब्ध है और किस रेट में उपलब्ध है, क्या जो है इसमें जो है आपको फायदे मिलने हैं। तो चलते हैं और उनसे जो है यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बात करते हैं और इस विषय में जो है जानकारी उन्हीं से लेते हैं। और आपको बता दें कि ये जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती है जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए किया गया है। और ये आप अगर सोच रहे हो कि ये जो दवाइयां हैं ये स्टोर में, तो इसका जो काम नहीं है, तो इसका भी काम ब्रांडेड दवाइयों के बराबर ही है। जितना जो है ब्रांडेड दवाइयां जो है आपको फायदा पहुंचाती हैं, उतना ही ये सब दवाइयां जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो भी आपको जो फायदा पहुंचाएंगी। क्योंकि पहले ये था कि मेडिकल स्टोर में लूट मची हुई थी, यही जेनेरिक दवाई जो है 60 से 70% अधिक दामों में आपको उपलब्ध थी, लेकिन प्रधानमंत्री की ये महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिए यह दवाएं जो है आपको सस्ते रेट में मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो स्टोर कीपर हैं उनसे जो बात करते हैं, अपना नाम बताइए। जी, माई सेल्फ सुदीप कुमार सिंह। जी, मैं बी फार्मा कर चुका हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और ग्रेटर नोएडा से मैंने बी फार्मा किया हुआ है, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड फार्मेसी से। मैंने जन औषधि को मतलब 2015 में मैंने इस चीज़ को जब प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को अनाउंस किया उस टाइम ही मैं इसको सोच के चला कि गरीबों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हुई इसको खोलने के लिए। जैसे हमने हमारे मतलब एक बड़े भाई हैं विनय राय जी, उनका टेंडर हुआ है, 40 स्टोरों का टेंडर है उनका बलिया जिला में, जैसे बलिया सदर में, बलिया महिला अस्पताल में, सिकंदरपुर CHC में। अब जैसे यहाँ पे भी 2 महीने से यहाँ के लोगों के लिए भी खुल चुका है। बाहर जितने भी मतलब मेडिकल स्टोर हैं, सरकार का एक नियम था, जैसे जैसे बाहर जितने मेडिकल स्टोर हैं उनपे ज्यादातर दवाइयाँ गरीबों के लिए नहीं हो पाती थी, गरीब पैसे के बिना दवा नहीं ले पाते थे। और आज के डेट में प्रधानमंत्री के इस जन औषधि के कारण गरीब भी दवा ले सकता है, सस्ती से सस्ते रेटों में दवा ले रहा है, लोग कोई गरीब बिना दवाई के मर नहीं रहा है। ये सत्य है कि 60 से 70% दवाएं आपकी जो है सस्ती है? हाँ जी, मैं आपको कुछ दवाइयाँ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जो दवा दिखा रहे हैं, हाँ। 40 N 12.5 mg में, इसका बाहर दाम 90 रुपए है, टेलवास के नाम से 90 रुपए, 120 रुपए दाम है उसका, लेकिन यहाँ पे इसका दाम 17 रुपए है। ये बीपी का दाम है, देखिए 17 रुपए का प्रिंट रेट है। और जैसे अगर आप देखें तो ये जो आप रिवाइटल लेते हैं, कई सारी दवाइयां हैं जिसमें भी आपके यहाँ महत्वपूर्ण दवा है, इकोस्प्रिन है जो बाहर आपका 70-80 रुपए, उसका दाम मात्र 14 रुपए है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, हार्ट की दवाइयां चलती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल, तो आप देख सकते हैं ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, तो आप इसका जो है रेट आप समझ सकते हैं और आपने खरीदा होगा तो यह भी जो है अंदाजा लगा लिए होंगे कि यहाँ पे कितने सस्ती रेट में जो है दवाइयाँ उपलब्ध हैं। न जानकारी की वजह से यहाँ जो है आप नहीं पहुँच पा रहे होंगे। और कुछ बताएं जो किस तरह की दवाइयाँ हैं, M2 के नाम से आती हैं बाहर, GM2 के नाम से, जो दवा 100 रुपए 120 रुपए आती है उसका दाम मात्र 24 रुपए है, इसका भी लोग लाभ ले रहे हैं, लोग खा रहे हैं दवाइयाँ, लेकर के यूज भी कर रहे हैं। आज 4 सालों से जैसे हमारे बड़े भैया हैं, मऊ में दुकान है हमारी, वहां से लोग ले जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसको, लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है इससे। जैसे अब अगर देखा जाए तो एक अगर एंटी फंगल में मैं आपको दिखाऊं, ये तो बीपी और शुगर की होगी, एंटी फंगल में जैसे आईटीमैक के नाम से बाहर दवाई आती है, एक ब्रांड के नाम से मैनगन का ब्रांड आईटीमैक और कैंडिड फोर्स, उसकी 7 गोली का दाम 200 या 300 रुपए कुछ है, और ये 4 हमारे में 4 गोली की आती है, ये एटीमेक का जो एट्रोकोनाजोल 200 mg फॉर्मूला आता है, इसका मात्र दाम 35 रुपए आज की रेट में। हर गरीब के लिए भी महत्वपूर्ण है ये चीज, गरीब है दवा ले रहा है और दवा खा रहा है, तो गरीब ये बात नहीं, गरीब ही लोग खा रहे हैं दवा, सब लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज का सबको लाभ मिल रहा है। तो ये
प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना है इसका लाभ सबको मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो कोरोना काल था उसमें एक पैरासिटामॉल जो है दवा आती थी 500 एमजी में, तो उस समय जो काफी जो फेमस थी, और जो उस दवा का जो है यहाँ रेट देख जानने की कोशिश करते हैं कि उस दवा का यहाँ रेट क्या है। बाहर 20 से 30 रुपए, उसका दाम मात्र 6 रुपए है, आप देख सकते हैं मात्र 6 रुपए, 6.5। ये पैरासिटामॉल दवा 6 रुपए में यहाँ उपलब्ध है। डोलो 650 का दाम 15 रुपए है, मात्र 15 रुपए 15 गोली का, देख सकते हैं। जैसे सेफिक्सिम मेनली जो जीपी के नाम से सेफिक्सिम आती है वो बाहर हम खरीदते हैं 200-150 के करीब। हम ये एक एंटीबायोटिक है, हाँ एंटीबायोटिक जो आती है बुखार में खिलाया जाता है या पेड़ मतलब हर चीजों में चला जाता है। जीपी एक नॉर्मल ऐसी एंटीबायोटिक है जो ज्यादातर चलती है हर रोगी के लिए। इसका दाम मात्र 53 रुपए हमारे पास। प्रधानमंत्री के इस योजना के थ्रू बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, हमें भी लाभ मिल रहा है, हमें भी 20% का मार्जिन है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को जो जहाँ पे 70% 80% लोग जेनरिक दवाइयों में लोकल दवाइयां देकर के मार्जिन ले रहे हैं, हम 20% लेकर के खुश हैं। गरीबों को दवा मिल रही है, अच्छी दवाइयां मिल रही है। अच्छा ये बताइए जो दवा का आपका स्टोर है तो कितनी दवाइयों की उपलब्धता यहाँ है? जी रेगुलर मतलब जितनी दवाइयां मरीज को एक चलती है सारी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल है। हाँ इंजेक्शन बोतल ये सब चीजें? बोतल नहीं, बोतल का अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, बोतल तो हॉस्पिटल में मिल जाता है, इंजेक्शन मिल जाते हैं सारे। देखिए पेंटॉप इंजेक्शन तो यहाँ पे इंजेक्शन भी उपलब्ध है। ये जो नेंड्रोल डेक्सोनेट डेक्ने आता है इसका दाम बाहर 200-300 रुपए, इसका मात्र दाम 40 रुपए। ये एनर्जी के लिए आता है। मेथोबालामिन नस के लिए जो आता है न्यूरोकाइन के नाम से बाहर आता है उसका दाम मात्र 7 रुपए है। मेथोबालामिन का दाम इंजेक्शन है। जो दर्द की आती है आपके टर्माडाल इसका दाम बाहर 50 से 60 रुपए, इसका दाम मात्र 4 रुपए। डाइक्लोफिनेक जो दर्द के लिए आता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन उसका दाम मात्र 4 रुपए है। और डेक्सोमेथासोन जो सांस में दवाई चलती है हाँ उसका दाम 120-140 रुपए, इसका दाम मात्र यहाँ पे 5 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेशेंट भी खड़ी है। आप दवा के लिए आए हैं जी? नाम क्या है आपका? शांति देवी। तो यहाँ पे दवा पहले ले चुकी हैं? हाँ कई बार ले चुकी। बाजार के रेट में यहाँ के रेट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तो फायदा के बारे में बताइए। फायदा भी है, लोग कहते हैं कि भाई कम रेट की दवा है तो कम फायदा करे। फायदा है, हम तो यहीं से ले जाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ एक पेशेंट भी खड़ी हैं जिनका जो है ये साफ तौर से कहना है कि यहाँ से जो है हम दवा लेते हैं और जो उन्हें इसका जो फायदा भी मिलता है और सस्ते रेट में मिलने की वजह से उनके बजट का भी में भी यह दवा आती है। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आपसे जो है कहेंगे कि जो है ये वीडियो देखने के बाद जो है और लोगों को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस स्टोर के बारे में जिनको जानकारी ना हो उनको जानकारी हो सके। और भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना ना भूलें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ मैं सब्बीर अहमद आपको ऐसे ही रिपोर्ट दिखाने के लिए हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।